जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो की जो आप लोगों की वैकेंसी 2022 में आई थी, सितंबर 2022 में रिक्रूटमेंट आई थी, 540 टोटल वैकेंसी थी, जिसमें कि आप लोग की हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की 418 और बाकी वैकेंसी यहाँ पे एएसआई स्टेनो की थी। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए, ऑनलाइन आप लोग के फॉर्म अप्लाई हुए थे, पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई थी। ऑनलाइन अप्लाई के बाद जो इसमें सबसे पहले होने वाला है वो आप लोग का फिजिकल में आप लोग का यहाँ पे PHT होती है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें कि आप लोग की हाइट वेट चेस्ट देखी जाती है और इसके अलावा आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। रनिंग आप लोग की यहाँ पे नहीं होती है। फिजिकल के बाद ही आप लोग का रिटन एग्जाम का प्रोसेस स्टार्ट होता है। रिटन एग्जाम के बाद आप लोग को टाइपिंग या फिर स्टेनो के लिए बुलाया जाता है, फिर उसके बाद आप लोग का मेडिकल के बाद आप लोग की फाइनल ज्वाइनिंग। तो प्रोसेस आप लोग का लंबा है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022 की जो ये रिक्रूटमेंट है इसमें फिजिकल की कोई डेट यहाँ पे फिक्स नहीं थी। जी हाँ, कोई डेट फिक्स नहीं थी, ना ही इसका कुछ प्रोसेस चल रहा था, लेकिन अदर जो रिक्रूटमेंट्स वगैरह चल रही हैं उनका प्रोसेस चल रहा था और रिटर्न एग्जाम और एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। लेकिन जैसे ही विभाग को इसका आदेश आया, विभाग ने जो है इसके ऊपर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, नोटिस इधर उधर भेजे जाने लगे आपके फिजिकल को लेकर के, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो 2022 के फिजिकल को लेकर के नोटिस इधर उधर भेजे जाने लगे। आप लोग के फिजिकल का प्रोसेस यहां पे स्टार्ट हो गया, बहुत ही जल्दबाजी में आप लोग का फिजिकल का प्रोसेस यहां पे स्टार्ट हुआ और मैंने आप लोग को जानकारी दी। जी हां, जानकारी दी, 8 जोन में आप लोग के यहाँ पे फिजिकल होने वाले हैं, 62 सीआईएसएफ यूनिट्स हैं, इन्हीं में आप लोग का फिजिकल होगा। और फिजिकल की जो डेट मैंने आप लोग को बताई वो 30 जनवरी 2023 की बताई है। तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है इसके एडमिट कार्ड को लेकर के। एडमिट कार्ड की जानकारी मैंने आप लोग को दी थी कि 5 जनवरी 2023 की डेट डिपार्टमेंट ने बताई है। डिपार्टमेंट ने फिक्स करी है कि इस दिन को आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे, ऐसा विभाग ने सोचा था और ये डेट यहाँ पे फिक्स की थी। लेकिन 5 जनवरी 2023 को आप लोग के एडमिट कार्ड अपलोड नहीं हुए, इसको लेकर के आप लोग परेशान है। परेशान ना हो, पूरी जानकारी मैं आज आप लोग अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, फिजिकल के बाद आप लोग का रिटर्न है, रिटर्न एग्जाम का प्रोसेस भी बहुत ही जल्द होगा। रिटर्न एग्जाम की तैयारी आप लोग करते रहिए। जी हाँ, इसी के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। रिटर्न एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है, अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर किया गया है, प्रैक्टिस सेट है, 20 प्रैक्टिस सेट आप लोग का इसमें दिया गया है। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं ऑफलाइन परचेज कीजिए। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है रिटर्न एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने में। तो रिटर्न एग्जाम की तैयारी कीजिए। सिलेबस आप लोग का बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, यहाँ पे जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश ही आप लोग की आती है। 12th लेवल का पेपर होता है, बस इतना होता है, बाकी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 2 घंटे का पेपर, कोई भी माइनस मार्किंग आप लोग की नहीं होती है, ठीक है, रिटर्न एग्जाम। और इसके अलावा टाइपिंग पे भी फोकस रखिए, ऐसा नहीं कि 1 से 1.5 मंथ में आप लोग टाइपिंग सीख के टाइपिंग निकाल सकते हैं, नहीं, टाइपिंग आप लोग को अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए। इसके अलावा जो आप लोग का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, फिजिकल वो स्टार्ट होगा। सबसे पहली चीज, सबसे पहला आंसर आपका फिजिकल 30 जनवरी 2023 से ही, जी हाँ, 30 जनवरी 2023 से ही स्टार्ट हो रहा है। इसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। तो इतना जानना ही आप लोग के लिए काफ़ी है, यही न्यूज़ आप लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब बात ये आती है सर एडमिट कार्ड। देखिए, एडमिट कार्ड की जानकारी भी मैंने आप लोग को दी थी, जो न्यूज़ विभाग से मिली थी या जो विभाग ने जो तय किया हुआ है, 5 जनवरी 2023 की यहाँ पे डेट थी। लेकिन एंड दिन तक यहाँ पे प्रोसेस आप लोग का कंप्लीट नहीं हो सका, क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, 9,22,000 प्लस कैंडिडेट हैं जिन्होंने कि यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है। तो विभाग ने जो सोचा उस दिन तक आपका प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो सका। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, प्रोसेस कंप्लीट भी नहीं हो सके आपके जो फॉर्म के जो भी एडमिट कार्ड अपलोड होने का, इसके अलावा सर्वर में भी कुछ प्रॉब्लम, सर्वर हैंग करने लगे, मींस और भी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मैं आप लोग को बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही इंटरनल चीज़ें हैं, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स, बस इतना जानना आप लोग के लिए काफ़ी है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो है डाटा पूरी तरीके से अपलोड नहीं हुआ और डाटा बहुत ज़्यादा है, इसलिए समय लग रहा है। तो वेट कीजिए और ये क्लियर है, बहुत ही जल्द आप लोग को एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, एक सरप्राइज मिलेगा एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल वालों की तरफ से। आपके एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द आने वाले हैं। प्रोसेस चल रहा है, कंप्लीट होने दीजिए, जो भी प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व होने दीजिए, पूरे एडमिट
एडमिट कार्ड अपलोड होते ही आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगी मिलेगी मिलेगी, पूरी जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। टेंशन ना ले ना ले ना ले, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोग का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ा है, और ऐसा विभाग ने फिक्स नहीं किया था कि आपके फिजिकल होने हैं। 9 लाख प्लस कैंडिडेट हैं, ध्यान रखिएगा। तो तैयारी करते रहिए, रिटर्न एग्जाम की तैयारी आप लोग करते रहिए। फिजिकल बहुत ही ईजी है, आप लोग को पता होना चाहिए, फिजिकल में कुछ भी नहीं है। मैंने आप लोग को जानकारी दी है, फिजिकल में सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग का पूरा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई है, वो सभी डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी करके रखिए। डॉक्यूमेंट आप लोग की लास्ट डेट यानी कि फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले के हैं तो बहुत ही अच्छे, नहीं हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए मत। आप लोग पल पल के इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। तो डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप लोग का फिजिकल में आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे हाइट वेट चेस्ट ही आप लोग की होती है। हाइट यहाँ पे यदि आप लोग जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो 165 सेंटीमीटर ही आप लोग की हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल ओबीसी एससी से, तो आप लोग की हाइट यहाँ पे 155 ही होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोग गढ़वाली कुमायूं डोगरा मराठा ठीक है नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आप लोग आते हैं तो मेल कैंडिडेट की हाइट यहाँ पे 162.5 होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की हाइट यहाँ पे 150 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए। चेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे 76 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव देखा जाता है। इसी प्रकार से यदि आप लोग एसटी कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे आप लोग की हाइट होनी चाहिए 162.5 और फीमेल कैंडिडेट है तो 150 सेंटीमीटर आप लोग की यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट मेल कैंडिडेट की यहाँ पे 76 ली जाती है और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे होता है। चेस्ट की डिटेल एक बार और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जनरल ओबीसी एससी से हैं तो 77 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, गढ़वाली कुमारी डोगरा मराठा ठीक है तो आप लोग की चेस्ट यहाँ पे 77 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, यदि आप लोग एसटी मेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग की चेस्ट यहाँ पे 76 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव देखा जाता है। तो ये हाइट वेट चेस्ट है, इसे आप लोग देखिए, यदि चेस्ट में कुछ कमी है तो आप लोग उसे ठीक कीजिए, क्योंकि आप लोग के फिजिकल जी है 30 जनवरी 2023 से ही है, 23 से ही है, बिल्कुल क्लियर है। पल पल की इंफॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मैंने दे दी है और वेट की जानकारी, देखिए वेट के लिए मैं आप लोग को एक अलग से वीडियोस बना दूंगा, हाइट के अकॉर्डिंग वेट क्या होना चाहिए, लेकिन अभी जो है फिजिकल के समय आपको वेट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। वेट कितना ज़्यादा है सर, इतना ज़्यादा इतना कम है, किसी प्रकार की टेंशन ना लें। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोग जो है सब कुछ ठीक करते हुए चले, जी हाँ हाइट के अकॉर्डिंग आप लोग का वेट होता है, आप लोग अभी से उसे मैनेज करते हुए चले ताकि फिजिकल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी लेकिन आगे आने वाले समय में भी आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और फिजिकल देने जा रहे हैं तो अपने आप को आप लोग को ठीक ठाक रखना ही रखना है। तो वेट कीजिए, प्रोसेस चल रहा है, बहुत ही जल्द इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और इसके अलावा मैं आप लोग क्लियर कर दूं, 30 जनवरी 2023 से ही आप लोग के फिजिकल की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अभी तक यही जानकारी है। आने वाले समय में आप लोग को इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव जानकारी प्रोवाइड करता रहूंगा। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।